क्रिकेट से मुताल्लिक है और पूरी दुनिया में इस वक्त जो है वो बहुत ज्यादा जेरे बहस हो गया। आई विश के ना होता ऐसा, क्योंकि कल हम पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की विक्ट्री सेलिब्रेट कर रहे थे, ऐसे में नेशनल टेलीविजन पर एक अजीब गरीब बात हो गई अचानक और सब हैरान परेशान हो गए कि यार क्या हो गया। अगर हम क्विकली पहले दिखा भी सके, नुमान नियाज साहब पाकिस्तान टेलीविजन पर प्रोग्राम हो रहा था, नुमान नियाज साहब होस्ट थे, शुएब अख्तर साहब वॉज वन ऑफ द गेस्ट और अचानक कुछ ऐसा हुआ कि सबने कहा ये क्या हो गया भाई, वो भी इंटरनेशनल खिलाड़ियों की मौजूदगी में, क्या हुआ जरा आप देखें। Being a little rude, so I don't want to say that. No, if you're being over smart, then you can go. I'm saying it on air. So let's. Okay, Sana. So would you mind telling me that? Pakistan, no. Excuse me. Talk. We take a break. We'll be right back. ये मंजर बड़ा unprecedented. Did he say you may go? Yes. Yeah. It actually happened on national television yesterday. उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद break हुई. मैं आपको कुछ जरा है माल कि ब्रेक में बाकायदा कुछ जरा बीच मतलब इंटरनेशनल खिलाड़ी जो थे वो भी वहाँ पर जरा बीच में कूदे और सबने, यानी ये भी हुआ, मैं आपको बता रहा हूँ मालूमात की बनाते कि बाकायदा बगलगीर भी करवाया गया दोनों को, गले वले मिलाया गया दोनों को, क्या चलो ख़त्म करो। तय हुआ कि चलो फिर हम ऑन एयर ये कहेंगे कि अभी इसको ख़त्म करते हैं कि यार चलो ये तुम मजाक कर रहे थे आपस में और ये था, ये तय हुआ कि क्या हुआ जरा वो भी देख लें, वो मंजर भी दिखा दें जरा। जी कब से जानते हैं मुझे, कितने साल हो गए? 29 years. कितनी दफा जो है हमारा शुगर लगता है आपस में and people start taking यार बड़े अच्छे से जानते हैं लेकिन जान नहीं सके people start taking it seriously poster shoster बन गए। We were just messing around, let them know that we're just messing around. I just always pull your leg and you have to pull my leg back, right? बिल्कुल। This is how it works and you know the people must be thinking that they're making memes out of this. There's nothing serious between me and Numan. It's all good. We're just pulling the legs. That's all. It was just all planned. Let them know it's all planned. Absolutely. And what we did is just we're trying to get a more tee up. We just wanted to, you know, this is the favorite guy of mine. You know, I like to pull legs of him. So it's okay. Relax. Shoaib, again, it was all planned. हमने TRPs के लिए कहा था, but it was not planned. Actually, ऐसा नहीं था. अब ये Shoaib की आप राय से, उनके मिजाज से agree disagree कर सकते हैं. लेकिन यहाँ इनकी ग्रेटनेस है कि इन्होंने एग्री किया कि चलो यार अब लोगों को ये तासुर बहुत बुरा जा रहा है तो हम टीवी पर ये कह देंगे यार हम तो प्लान था ये आपस में था और सारा कुछ था, तो उन्होंने ये कह दिया, ऐसा था नहीं। लेकिन Shoaib डिस्टर्ब बहुत ज्यादा था कि यार ये क्या हो गया है, कि इसके सब क्या हुआ है। एक और ब्रेक हुआ, ये हुआ, उसके बाद एक और ब्रेक हुआ। ब्रेक में Shoaib ने ये एक्सपेक्ट किया और ये रिक्वेस्ट की उनसे, ये कहा नुमान नियाज साहब से कि यार तुम टेलीविजन पे यार ये सब कुछ जो हुआ है मैं बड़ा डिस्टर्ब हूँ, अपोलोजाइज कर लेना मुझसे कि यार बस चलो जो हो गया आई एम सॉरी, फिर हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन जब ऑन एयर आए तो नुमान नियाज साहब द होस्ट ही रिफ्यूज टू अपोलोजाइज, जब उन्होंने कहा भी कि तुम सॉरी कह दो एंड लेट्स मूव ऑन, Shoaib ने कहा, नुमान नियाज ने कहा इट्स ओके, सॉरी नहीं कहा उन्होंने। जब ये नहीं कहा फिर Shoaib ने उसी वक्त एक डिसीजन लिया और उसको अनाउंस किया नेशनल टेलीविजन पे, नेशनल स्टार ने अपने इस्तीफे का ऐलान कर दिया। फिर ये हुआ, देखें टीवी पे बिहेव किया गया, आई डोंट थिंक आई शुड बी सिटिंग हियर राइट नाउ, सो आई एम रिजाइनिंग, थैंक यू वेरी मच। सो नाउ वी सी आसिफ अली स्कोरिंग 27-12 बॉल्स इन वेरी बैड एंड सैड ऑप्टिक्स, ही जस्ट कैरीड ऑन द होल सैड नाइट, ही जस्ट कैरीड ऑन। एक अच्छे नाइट पे हम मैच जीते उसके बाद सेलिब्रेशन नाइट, और ये देखें हम बार बार यहाँ बात करते हैं कि सेल्फ डिस्ट्रक्शन हो जाती है कहीं ना कहीं, फॉर समहाउ हमारी सेल्फ डिस्ट्रक्शन आ जाती है जो कि नहीं होनी चाहिए। अच्छा अच्छी नाइट थी, बैक टू बैक पाकिस्तान मैच जीते और सडनली ये हो गया जहाँ पे बहुत बड़े बड़े स्टार्स बैठे हुए, दुनिया के स्टार्स बैठे हुए, yes, yes, और वो वेव रिचर्ड्स बैठा हुआ, कौन नहीं बैठा हुआ, हमने खुद बहुत फील किया इसको, है ना, बहुत फील किया। और उसके बाद फिर एक तनवीर भाई बिफोर योर कमेंट, उसके बाद एक तूफान मच गया सोशल मीडिया में जो कि अभी तक मचा हुआ। मेरी कल इस वाकई के बाद दोनों से बात हुई है, Shoaib अख्तर साहब से भी, नुमान नियाज साहब से भी, और उनके भी अपनी नहीं सबके ओपिनियंस हैं। एक तूफान मच गया उसके बाद, मैं उसे क्विकली, अभी अली हज़रत ज़ैदी, ये वफाकी वजीर अली ज़ैदी, वो कहते हैं डॉक्टर नुमान नियाज एक्टेड लाइक एन एरोगेंट गाय। फैसल जावेद कहते हैं इट्स नॉट ओनली अबाउट हीरोज, इट्स ऑल्सो अबाउट आर प्रेस्टीज एंड डिग्निटी, उन्होंने बहुत तनकीद की। सईद गनी, आई थिंक दिस मैन नुमान नियाज हैज सम इशू, आगे बढ़ते हैं, मैं सारी ट्वीट्स नहीं पढ़ रहा। अली जफर ने एक बहुत बड़ी ट्वीट की, वी मस्ट लर्न टू रिस्पेक्ट आर हीरोज। हुमायूं सईद कहते हैं आर्ग्यूमेंट्स हैपन ड्यूरिंग टीवी शो बट नो होस्ट टेल्स देयर गेस्ट टू लीव। मोमना मुस्तहसन कहती हैं Shoaib Akhtar सर्विसेज टू पाकिस्तान एंड कॉन्ट्रीब्यूशन टू इंटरनेशनल क्रिकेट आर रिमार्केबल। वकार जका कहते हैं व्हाट द हेल नुमान डिड, और नुमान नियाज साहब ने क्या कहा, नुमान नियाज कहते हैं आई वंडर व्हाई वन हैज टू बी रिमाइंडेड Shoaib इज अ स्टार, ही हैज बीन द बेस्ट ऑफ द बेस्ट, ही शैल ऑलवेज बी।
He has brought laurels to the country is undeniable. One side of the story always attracts. Nonetheless, having been friends for ages, I will always wish him the best. So he refused to apologize even on tweet or on a guy. I wish him all the best. Sir, फिर आप हाँ जी देखिए सबसे पहली बात मेरी लोग याद रखें हाँ क्रिकेटर से बड़ी चीज कोई भी नहीं है पहली चीज जो पाकिस्तान खेला हुआ है उसको हर कोई जानता है लेकिन जो पाकिस्तान नहीं खेला हुआ वो सोशल मीडिया की वजह से वो लोग अपने आप को इतना बड़ा समझने लग जाते हैं कि वो जब एक क्रिकेटर के सामने बैठे हुए होते हैं वो ये समझते हैं कि हम लोग पता नहीं उसी किस्म की हमारी वैल्यू है उसी तरह ही लोग हमें जानते हैं हम कुछ भी किसी को कह सकते हैं उनको उस इदारे के अलावा कोई नहीं जानता है जब क्रिकेटर वहां से बाहर निकलेगा उसको पूरा पाकिस्तान जानता है उसको पूरी दुनिया जानती है क्रिकेटर का नाम आप गूगल पे लिखेंगे उसकी पूरी परफॉर्मेंसेस उसकी पूरी दुनिया भर की चीजें आपके गूगल पे आ जाएंगी क्रिकेटर के अलावा किसी का नाम लिखोगे उसका कुछ भी नहीं आएगा। ये भी जो आपने कहा कि क्रिकेट से बड़ी कोई चीज नहीं वो उनकी प्रेस्टीज अपनी जगह आई थिंक ये भी है ना कि भाई ये मत देखो कौन कह रहा है देखो क्या कह रहा है अगर इस मौके पे शुएब ने गलत किया होता और नुमान ने साहब ने सही किया होता तो हम शुएब पे तंकीद करते कि भाई आपको आप क्या कर रहे हैं और नुमान ने सही किया दूसरी चीज क्या किया है ना दूसरी चीज कि आप एक इतने बड़े स्टार को टीवी चैनल पे बैठ के आप ये नहीं कह सकते आपका जितनी भी उससे आर्गुमेंट हो लाइव शो में आप ये नहीं कह सकते कि आप यहां से उठे जा सकते हैं और जाएं और एक चीज मैं बताऊं यही चीज जब मैंने नई नई टीवी चैनल पे शुरू की एक टीवी चैनल पे मेरे साथ भी यही हुआ अच्छा। जब मैं नया नया टीवी बैठना शुरू किया एक होस्ट ने मेरे साथ भी ऐसा ही किया अच्छा उसने कोई ऐसी बात की मैंने उसकी बात का जवाब नहीं दिया उसने बोला अच्छा चले डांस करके बता दें अच्छा चले गाना गा के बता दें ये सब कुछ नहीं कर सकते तो आप जाएं यहां से तो मैंने उसको बोला मैंने आपने तो नहीं बुलाया मुझे फिर उसके बाद जब ब्रेक हुई तो मैंने ठीक ठाक लड़ाई की उसके साथ मैंने बोला ये होता कौन है मुझे बाहर करने वाला तो ये जो कुछ लोग हैं जो होस्ट बने हुए ड्यू रिस्पेक्ट सबको देनी चाहिए ठीक है ये अपने आप को पता नहीं क्या समझने लग जाते सही किया शिवम ने रिजाइन करके अगर मैं होता तो पता नहीं मैं क्या कर जाता मैं अपनी बात कह रहा हूँ वसीम भाई लेकिन शुएब अख्तर की शुएब अख्तर क्योंकि मेरा क्लीग है मेरे क्लीग रहे बहुत जबरदस्त उनकी पर्सनालिटी है जो लोग उनको बाहर से देखते वो वैसे नहीं है मैं तो बहुत क्लोज रहा हूँ उनके अगर मैं होता ना तो गड़बड़ अभी तो पता नहीं क्या हो जाता क्या से क्या हो चुका था लेकिन मैं सलाम करता हूँ शुएब अख्तर को कि बड़ा अच्छा उन्होंने काम किया और बड़े ही लेकिन ही वाज डिसअपॉइंटेड वेरी वेरी डिसअपॉइंटेड एंड हम सब फील करते हैं वहां जो लोग बैठे हुए थे जो हमारे भी क्रिकेटर्स थे उनमें से किसी ना किसी को तो उठना चाहिए था ना ये बोलना चाहिए था शुएब ये मत करो इस किस्म का क्या कहते हैं आप नहीं करना चाहिए था शायद एक बात होनी मेरे ख्याल होनी अब जिस तरह कल यूनुस भाई जा रहे थे हम एक दूसरे को पकड़ रहे थे रुको 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 लेकिन वो मेरा प्लान था।